लीड एक्टर चैडविक बोसमैन के ट्रेजिक डेथ के बाद ब्लैक पैंथर सीक्वल बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। इट्स टू अर्ली टू रिकास्ट टिचेला, सो दे गेव टिचेला अ सिमिलर कॉज ऑफ डेथ टू चैडविक बोसमैन। मूवी बिगिंस विद अ साइलेंट मोन्टाज ऑफ मार्वल स्टूडियोज फीचरिंग चैडविक बोसमैन, किंग ऑफ वकांडा। टिचेला की डेथ एक ऐसी बीमारी से होती है जो शूरी को लगता है कि वकांडा में मिलने वाले हार्ट शेप हर्ब से ठीक हो सकता है, लेकिन किलमोंगर ने उन सबको तबाह कर दिया था। उसे फिर से सिंथेटिकली रिक्रिएट करने की कोशिश में नाकामयाब होती है और अपने भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। वह काफी दुखी है। वकांडा के ट्रेडिशन से टिचेला को एक इमोशनल एंड पावरफुली एक्टेड फ्यूनरल दिया जाता है। एक साल के बाद अदर नेशंस वकांडा पर वाइब्रेनियम को शेयर करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और कुछ कंट्रीज तो उसे चुराने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्वीन रेमोंडा शूरी को हार्ट शेप हर्ब की खोज जारी रखने के लिए कहती है ताकि वकांडा को एक नए ब्लैक पैंथर मिले जो उसकी रक्षा करेगा। अटलांटिक ओशन में यूएस नेवी को एक वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन की हेल्प से ओशन के अंदर वाइब्रेनियम के सोर्स होने का पता चलता है। उनके एक्सपीडिशन पर कुछ ब्लू स्किन्ड वाटर ब्रीदिंग सुपर ह्यूमंस के ग्रुप का अटैक होता है जिसे नामोर लीड कर रहा है, लेकिन CIA को ऐसा लगता है कि ये अटैक वकांडा के लोगों ने किया है। नेमोर क्वीन रेमोंडा और शूरी से मिलता है, उन्हें ये कहता है कि उनकी वजह से ही आज सभी नेशंस वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं और उन्हें एक अल्टीमेटम देता है कि वे उसे वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन बनाने वाले इंजीनियर्स को ढूंढ कर सौंप दें, नहीं तो नेमोर वकांडा पर अटैक कर देगा। शूरी और ओकाया को CIA एजेंट रॉस से पता चलता है कि वो इंजीनियर रीरी विलियम्स जो कि एक MIT का स्टूडेंट है। शूरी और ओकाया रीरी को बचाने के लिए वकांडा ले जाने के लिए आते हैं, तभी CIA वहां पहुंच जाते हैं। CIA को चकमा देने के बाद नेमोर के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। ओकाया को हराने के बाद वे रीरी और शूरी दोनों को नेमोर से मिलाने के लिए ले जाते हैं। ओकाया के शूरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाने से गुस्सा होकर क्वीन रेमोंडा ओकाया को डोरा मिलाजे के जनरल के पद से हटा देती है और नाकिया से मिलने जाती है जो कि थैनोस के स्नैप के बाद से हैती में रहती है। नेमोर शूरी को अपने अंडरवाटर वाइब्रेनियम से बने किंगडम टोलैकन ले जाता है जिसे वो सदियों से प्रोटेक्ट करता आ रहा है और अपने ओरिजिन और सरफेस वर्ल्ड के प्रति हेट के रीजन को बताता है और कहता है, नो दैट यू नो व्हाट आई हैव टू प्रोटेक्ट, ज्वाइन इन द वॉर अगेंस्ट द सरफेस वर्ल्ड। शूरी के मना करने पर नेमोर उसे सबसे पहले वकांडा को ही तबाह करने की धमकी देता है। वाइल ऑन नेमोर्स वे क्वीन रेमोंडा के आदेश से नाकिया शूरी और रीरू को ढूंढ निकालती है। शूरी के वकांडा पहुंचने के बाद नेमोर वकांडा के कैपिटल सिटी पर अटैक कर देता है। अटैक के दौरान रीरी को डूबने से बचाने में क्वीन रेमोंडा की जान चली जाती है। नेमोर एक वीक में फुल आर्मी के साथ दोबारा वापस आने की धमकी देता है। वकांडा के लोग जबारी माउंटेन्स में सेफ्टी के लिए रिलोकेट हो जाते हैं। CIA एजेंट रॉस को वकांडन्स के साथ क्लासिफाइड डिटेल शेयर करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। एनरेज विथ हर फेलियर टू सेव हर ब्रदर एंड नाउ मदर, शूरी सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट्स द हार्ट शेप्ड हर्ब बाय यूजिंग अ रिमेंट ऑफ अ हर्ब दैट वाज गिवन बाय नेमोर टू शूरी एज अ गिफ्ट फॉर बीइंग फर्स्ट आउटसाइडर टू विजिट टॉलकन। वकांडन रिचुअल को फॉलो करते हुए शूरी उस हर्ब के लिक्विड को ड्रिंक करती है जो कि उसे एंसेस्ट्रल प्लेन में ले जाता है, होपिंग टू सी टिचेला और हर मदर देयर, लेकिन वहां उसे किलमोंगर मिलता है जो उसे बदला लेने के लिए अर्ज करता है। वापस होश में आने पर शूरी के पास ब्लैक पैंथर की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। शूरी अपने लिए एक नया ब्लैक पैंथर सूट बनाती है, लेकिन अपने फादर और ब्रदर टिचेला के हेल्म को छोड़कर किलमोंगर के हेल्प को चूज करती है, रिप्रेजेंटिंग दैट शी इज चूजिंग टू टेक किलमोंगर्स वे टू टेक रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ हर पीपल। शूरी वकांडन ट्राइब के पास जाती है टू इंश्योर दैट दे हैव देयर प्रोटेक्टर नाउ एंड शी इज एक्सेप्टेड बाय देम। मुबाकू के समझाने के बाद भी शूरी नेमोर से बदला लेने के लिए इमीडिएट अटैक का ऑर्डर दे देती है। अटैक में हेल्प करने के लिए शूरी डोरा मिलाजे को एक नया मिडनाइट एंजल आर्मर देती है और रीरी भी उनकी मदद करने के लिए एक आयरन मैन से इंस्पायर्ड सूट बनाती है। नेमोर की कमजोरी का पता लगने पर कि वो ड्राई एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, शूरी नेमोर को लूर करके अपने शिप में कैद करके डेजर्ट की तरफ ले जाती है।
जब वकांडन के आर्मी और नेमोर के वॉरियर्स एक शिप पर लड़ रहे होते हैं, शूरी का शिप एक डेजर्ट बीच में क्रैश हो जाता है, जहां शूरी और नेमोर में फाइट होता है। आफ्टर ड्राइंग हिम आउट, शूरी गेन्स अपर हैंड, गोज फॉर एंडिंग नेमोर्स लाइफ, लेकिन अपने ब्रदर त्रिशाला एंड मदर रेमोंडा को याद करते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो भी नेमोर के रास्ते पर ही चल रही है, और नेमोर को छोड़ देती है और उसे एक पीसफुल अलायंस का ऑफर देती है, जिसे नेमोर एक्सेप्ट करता है और लड़ रहे अपने वॉरियर्स को रुकने का आदेश देता है। इन द एंड नेमोर अपने कजन को एश्योर करता है सरफेस पे कॉन्कर करने का इरादा अभी छोड़ा नहीं है। रीरी MIT वापस चली जाती है। ओकाया और शूरी एजेंट रॉस को कैप्टिविटी से फ्री करते हैं। बाकू वकांडा का न्यू किंग बनने के लिए आगे आता है। शूरी नाक्या से मिलने हैती जाती है, जहां अपने मदर के विशेष के अनुसार फनरल सेरेमोनियल रोब को जलाती है और फाइनली खुद त्रिशाला के जाने का शोक मनाती है और रिहाना के लिफ्ट मी अप सॉन्ग के साथ मूवी एंड हो जाती है। मिड क्रेडिट सीन में शूरी को पता चलता है कि त्रिशाला और नाक्या का एक बेटा है, तो साइन जिसे नाक्या सीक्रेटली त्रिशाला की मर्जी से वकांडा के थ्रोन के प्रेशर से दूर रेस कर रही है, तो सैंथ शूरी को बताता है कि उसका वकांडन नाम त्रिशाला है। लेट्स लुक एट आवर रिव्यू ऑफ द मूवी। दिस मूवी इज लॉन्ग इन लेंथ, मेकिंग इट 2 hours 32 minutes लॉन्ग, बट एवरी सेकेंड ऑफ दिस मूवी इज ग्रिपिंग एंड इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी। मूवी डजंट हैव अननेसेसरी MCU ह्यूमर, द टोन इज सीरियस एंड द थ्रेट फील्स रियल। द विलन नेमोर इज ग्रेट एडिशन टू दिस मूवी and he has his own and genuine reason to fight for his people. All the actors gave powerful performances, making this best women lead movie of the MCU and recent times in Hollywood. MCU needs to follow this way of movie making and should leave the traditional forceful comedy movie with the older phases, as they worked with them only and ruining movie like Thor, Love and Thunder, music. Ludwig Göransson is a great aspect of this movie, and the way they handle the tragic death of loved actor is admirable. Our score is 8.5 out of 10 for this movie. Do comment your views on the movie. Hit like if you liked our video. That's all for now. Thank you and goodbye.